मुझी आपण को प्रश्न करे आपणकर सबुठ बड़ शत्रु किए ताले आपण मैने किसी समय भाव राम श्याम हरि कहार ना कहार ना ने किंतु आपण मैने आपण मानक असल शत्रुर ना कहीपर कहीं आपण मानक असल शत्रु आपण मानक आखि सामने न थाए से थाए आपण मानक शरीर अभ्यंतर जहाँ को ए दुनिया क्रोध बोली कह क्रोध ही विनाशर मूलमंजी अनेक संपर्क अनेक परिवार अनेक सभ्यतार विनाशर कारण यही क्रोध चिरुडाए अग्नि जेपरी समग्र अरण्य को दाह कर दिए ठीक से सामान्य क्रोध मनुष्यर सारा जीवन साधना को नष्ट कर दिए क्रोध परित्याग कर जीवन असल सुख को उपभोग कर तमे कह तृतीय पांडव से दिन पांडव गण कर संकल्पर कौन किसी मूल्य ना वचनबोधता कौन क्षत्रिय परंपरा धर्म नुहे तेबे मते किछि कहबा को दियो पांचाली ना प्रथमे मते मो कथा कहबा को दियंतु आर्ज्य मने अछि आर्ज्य मो स्वयंवर रे लक्ष लक्ष राजा थाउ थाउ ए ध्रुपद कन्या द्रौपदी केवल आपण को स्वीकार करथिला मानुची मानुची आपण को वीरत्व थिला सेथिरे किंतु ए यज्ञसेनीर समर्पण प्रेम किसी कम नथिला आज पुणी से कथा कहीं पांचाली कहीं अतीतर भूमि उपरे वर्तमान तरु ठिया हुए आर्ज आपण तो मन थी स्वयंवर में मत ग्रहण कला प्रथम थर पर जिते ग्रह को लेकिन आसते मंदिर पूजारी भक्त मान प्रसाद बांटिला आपण मान माता आदेश मानि मो देह मन प्राण सबकि मटी से मो पिता सत्य पालन करिवारे कठोर धारा को विरोध करथिले किंतु मु माता कुंती कथा को सम्मान दे तमर बड़पण द्रौपदी ना बड़पण नुह परम स्वार्थ सामान्यतम स्वार्थ से स्वार्थ कौन जान आर्ज मुझको हरवा चाहून आज जाए पांडव मानक भितर जदि क्या प्रति मोर सर्वाधिक आकर्षण थाए सेटा केवल आपण तृतीय पांडव से तो तुम पाखे कृतज्ञ कर्म कृतज्ञता प्रमाण कर शब्द से कृतज्ञता जनवर कौन से अर्थ न था तृतीय पांडव आपण आसिबे बार वर्षर बनवास सारी आपण यज्ञसेनीर कोठरी जेबे प्रथम थर प्रथम पाद रखिबे यज्ञसेनी आपणक पाद पद्मरे समर्पित बनि जोगु दुनिया रो सब सुख शांति सब किछि पाइबे यही भरोसा दिन परे दिन पक्ष परे पक्ष मास परे मास कार काटी चलती
जो कार टणा है ये कौन से दुआ तो कि काली मो हृदय झरुवा रक्त रु द्वितीय विधान को देख मु तो आश्चर्य सारा जीवन मु केवल आपण को स्मरण करवल आपण को किंतु आपण सुभद्रा प्रेम मग्न थे जिते बड़े मुझे अपेक्षार चटाण से झोटी आंकुली से बड़े आपण सुभद्रा सिंखी सिंदूर टीका आंकुले तमें मते जेते अभिवेकी भाव चित्रण करुच मुसे तो अभिवेकी नुहे पांचाली अभिवेकी नुह निजर गोटे समर्पिता स्त्री थाउ थाउ अन्य स्त्री को ग्रहण करबा अभिवेकिता नुह नीरव रही मते न जाने माता कुंती का समेत अन्य पांडव गण आपण को विवाह को ग्रहण करने कौन अभिवेकिता नुह आपण को यह सब कहला बेले जी कष्ट अनुभव तार दस गुणा कष्ट मत अनुभव मानुची मानुची सुभद्रा आपण को सखा भगिनी कितु मुझे आपण को धर्म पत्नी सुभद्रा आत्मारु पवित्र पंचाली तो माने कौन मु आत्मारु अपवित्र सुभद्रा मोठारु जथेष्ट ऊर्ध्वरे तमे भूल कहुछ पंचाली तमे अतुलनीय तमे अनन्या पांडव कुलर अहंकार तमे तमर स्थान केही भी नहीं पारिबेनी केही भी नुह मु सुभद्रा को मो हृदय स्थान देवा अर्थ नुहे जे मो हृदय तुम्हें प्रेम ना स्थान ना मु तुम हृदय क्षत को बुझी पारे मु केवल इतनी निवेदन करुची सखा श्रीकृष्ण मर्यादा पाई पांडव कुलर गारिमा रक्षा करने तुम्हें सुभद्रा को ग्रहण करनी आ्रुटिप अर्जुन को क्षमा कर दि कारण यह व्यतीत मो पक्षे अन्य कौन सी पथ ही ना सखा उदास द्रौपदी पाख को जाइली द्रौपदी कोठरी को तुम यात्रा विलंबित निश्चय छाड़ कौन कहले मो सखी कृष्णा आकाश रे चारि मेघ एकाठी हवा पर से अभिमान आषाढ़ मासर वर्षा परी आखिरे असरा असरा लुह अधिकार और अभियोग गोटे विराट पहाड़ पलटि जा तो हबार थिला सखा सुभद्रा को प्रेम करवा विवाह करवा काल में मोर कौन होता के जाने द्रौपदी बोली कहीं अच्छा
ए कथा को मु भूली जाई थिली। प्रेमिक माने ठीक गोटे गोटे अंध प्रजापति भ सेमानंकु निज प्रेम छड़ा आउ किछि भी दृश्यमान हुए ना। किंतु किंतु से समय आपण चाहिथिले मते पांचालिंक विषय रे स्मरण करि दे पारि थांते। जदि स्मरण करै थांती ताले कोन हि थांता कुओ? तमे कोन भद्रा को छाड़ी इंद्रप्रस्थ चली आस्थांत? ना केबे भी नुह। तेबे द्वितीय पंथा भी थिला पांडव बाबू कृष्ण ठारू दूरे जाई तमे अन्य एक राज्य भी रही पार आपण ये कौन कौन सखा ता तो असंभव से तो सखा मुतबले नीरव थी एबे किंतु से विषय चिंता करिबा अनुचित। गुरु पारिषद मानू तुम बहुत भोजे आमंत्रण कराई से चर्चा रे जमी अवहेला न हुए। आज्ञाकारी किंतु रोसशाला आज्ञाकारी मानकर काम कौन? रोसशाला पांच आज्ञाकारी रोसे सामग्री जगह आमण मेल महाराणी सुभद्रा रोसे कर महाराणी नुहे से केवल राणी बोली केवल राणी मानुची राणी किंतु राणी ठू महाराणी दूरता जमा बेसी दूर नुह सखी। प्रथमे देवगृह स्थान नेले आउ एबे एबे रोसशाला भी स्थान नेले किंतु पूर्वर ए दुईटा जाकर स्थान तुमर थिला सखी। मु सेमिति हबो तेबिनी बोलि तेबिनी इंद्रप्रस्थ रे मो स्थान केही भी नहीं परिपरि केही भी नहु। भगिनी आपण से शाला को कहीं आसिले मु सब करे जाने भद्रा किंतु जेबेठार मु इंद्रप्रस्थ को आसी ए रोसशाला ही मो सब बड़ दुर्बलता जाने आउ एक कथा भी जाने आपण एमिति पाक प्रस्तुत करती जे पांडवगण तृप्त हवा निश्चिंत किंतु से निपुण हाथर आवश्यकता दासी कर तुम्हें मैंने भी जाइ यथाज्ञ महाराणी। चिंता करनी भद्रा बाहर अतिथि दासी मैंने जदि ये रहती ताहले अतिथि सेवार बाधा उपजीपे तुम गोटे काम करो, खीरी पलो करनी बाकी कम मु करनी आपणकर उदारता पाई बोधे आपण माता कुंती आ पांडव मानकर एते प्रिय। भद्रा तमे मोर कनिष्ठा भगिनी तुमको साहाज्य करिबा मोर तो धर्म एमती रे मोर केही भी भगिनी नथि किंतु आपण को मोर ज्येष्ठ भगिनी रूप पाई मु अत्यंत आनंद। आम दुई भगिनी को एमती वार्तालाप करने समय मिले एबे बाहर अतिथि आमर प्रथम काम हो तमें जाओ खीरी पाई मसला प्रस्तुत कर बाकी काम मु देख।
ମୁଁ ଜାଣିଛି ସୁଭଦ୍ରା, କାହାକୁ ଈର୍ଷା କରିବା ଅଧର୍ମ। ମୁଁ ତୋତେ ଈର୍ଷା କରୁନି, ମୁଁ କେବଳ ମୋ ପ୍ରେମ ଆଉ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ କ୍ଷୀର ପାତ୍ରରେ ମୁଁ କେବଳ ଆଞ୍ଚୁଳାଏ ଲବଣ ଢାଳିବି, ତାପରେ ଦେଖିବି। କିଏ ତୋ ପାଖକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ? ତମେ ଇଏ କ'ଣ କଲ କୃଷ୍ଣା? ତଥାପି ତମେ ଭଦ୍ରାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ଅଧିକାର ବୋଧକୁ ନେଇ ଅନେକ କିଛି କଥା ବୁଝେଇବା ପରେ ବି ଦିନ ଆସିବ କୃଷ୍ଣା, ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ମାନବୀୟ ଅଭିମାନ, ଈର୍ଷା, ଏସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବାରିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଥିବ। ବଚନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଧର୍ମ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସମେତ ଆପଣ ବି ବଚନ ଦେଇଥିଲେ, ମନେ ଅଛି? ମନେ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି, ତମେ ପୁଷ୍କରଣୀ ଭିତରକୁ ଅନେକ ପଥର ଫିଙ୍ଗି ସାରିଲଣି, ଏବେ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗି ପାରିବି ତ? ମୁଁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା କ୍ଷଣି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳରାଶିରେ କେମିତି ଅଜସ୍ର ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏ ତରଙ୍ଗ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସଖା, ସବୁବେଳେ ରହିବନି, କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ଜଳରାଶି। ଦେଖ ପାର୍ଥ,
ଏବେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳରାଶି ସ୍ଥିର। ଠିକ ତମ ମନର ଚିନ୍ତା ଓ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଭଳି ଈଶ୍ୱର ଏ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଦ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହୌଷଧି ହେଉଛି ସମୟ। ସେଇ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତମର ସମସ୍ତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସଖା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ରାଜଧର୍ମ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହସ୍ତିନାର ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ବିରାଜମାନ କଲେଣି, ସେଠି ତମର ଉପସ୍ଥିତି ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ପାର୍ଥ। ଚାଲ ସଖା।